ए आकाशवाणी जलंधर ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला खास खबरां ऑपरेशन अजय तहत जंग प्रभावित इजराइल तो 2 करोड़ उड़ाना 471 भारतीय नाल देश परतिया ने इजरायली फौज ने दावा किया है कि इसने 2 सरहदी पिंडा ते हमले की अगवाई करने वाले एक होर हमास कमांडर नु मार दिता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम अते सिंगापुर दे 6 दिना दौरे ते अज हनोई पहुंच गए ने। महाराष्ट्र च सवेरे छत्रपति संभाजी नगर जिले च एक बस हादसे च 12 लोग मारे गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु केरला ते जम्मू कश्मीर च भारी बारिश की पेशीनगोई की है। उत्तरी पंजाब ते हिमाचल प्रदेश च दरमियानी तो तेज बारिश की पेशीनगोई की गई है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप च अफगानिस्तान ने इंग्लैंड सामने जीत वास्ते 285 दौड़ा का टीचा रखा है। ऑपरेशन अजय तहत इजराइल तो 471 भारतीय नागरिकों नाल 2 उड़ाना अज इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचियां। पहली उड़ान राही 197 भारतीय नागरिक देश वापस परते। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इजराइल तो सुरक्षित कट के लियांदे गए इन्हां भारतीय नागरिकों का हवाई अड्डे विखे स्वागत किया। मंत्री ने इजराइल तो आए हरेक भारतीय नूं तिरंगा दिता। ऑपरेशन अजय सरकार वल्लों इजराइल चों 18,000 के करीब भारतीय नागरिकों नूं देश वापस लियाउण लई शुरू किया गया। इस बाद चौथी उड़ान राही 274 भारतीय देश परते जिन्हां दा स्वागत केंद्रीय राजमंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। मीडिया नाल गलबात करदिया ने कहा कि उड़ाना उदों तक जारी रहणगियां जदों तक देश परतन दे सारे इच्छुक भारती वापस नहीं आ जांदे। मंत्रालय ने वध रहे संकट दे मद्देनजर 24 घंटे चलण वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। भारतीय नागरिक इस कंट्रोल रूम नाल टोल फ्री नंबर 1800118797 ते संपर्क कर सकदे ने। ईमेल पते situationroom@mea.gov.in राही भी मदद मंगी जा सकती है। उधर इजरायली रक्षा फौज आईडीएफ के एक बुलारे ने कहा है कि फौज ने एक होर हमास कमांडर बिलाल अल केदरा नूं मार दिता जिसने कथित तौर ते इजरायली सरहद नेड़े नेरेम के बुत्स ते हमले दी अगवाई कीती सी। आईडीएफ ने कहा कि इसने रात पर गाजा दे वख-वख हिस्सियां च 100 दे करीब फौजी निशानियां ते हमले कीते जिन्हां च हमास सदर मुकाम ते फौजी कंपाउंड ते निगरानी चौकियां शामिल ने। पहला इजरायल ने शुक्रवार नूं फलस्तीनियां नूं गाजा दे उत्तरी हिस्से नूं फौरन खाली कर देण दी चेतावनी दित्ती सी। बीते हफ्ते दौरान हमास वल्लों कीते हमलों दे इजरायल वल्लों कीते फौजी प्रतिक्रम दे मद्देनजर गाजा पट्टी च हुण तक 10 लाख दे करीब लोकां नूं घर छड्डना पिया ए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर वियतनाम अते सिंगापुर दे 6 दिना दौरे ते अज हनोई पहुंच गए ने। वियतनाम दे विदेश मंत्री बुई थान सोन ने डॉ जयशंकर दा स्वागत कीता। उत्थे पहुंचण दे छेती बाद मंत्री इतिहासिक त्रान कॉक पगौड़ा दे एक सोशल मीडिया पोस्ट विच डॉ जयशंकर ने मशहूर त्रान कॉक पगौड़ा विखे उन्हां दा निघा स्वागत करने लई अपने हमौदा प्रति धन्नवाद प्रगटाया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अते वियतनाम दरमियान बेहद पुराने संबंध इस इतिहासक पगौड़ा विखे बोधी दरख्त राही दिसदे ने। उन्हां इह वी कहा कि इस दरख्त दा बूटा 1969 विच राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वल्लों राष्ट्रपति हो चे मिन नूं तोहफे वजों दिता गया सी। डॉ जयशंकर भलके सांझे कमिशन दी 18वीं मीटिंग दी प्रधानगी करनगे। महाराष्ट्र विच अज सवेरे छत्रपति संभाजी नगर जिले च समृद्धि एक्सप्रैस वे ते एक तेज रफ्तार मिनी बस ते कंटेनर ट्रक नाल टकरा जाण कारण घट्टो घट 12 लोकां दी मौत हो गई ते 15 जख्मी होए ने। इह हादसा जिले दी वैजापुर तहसील च दोपहर बाद 1 बजे दे करीब वापरिया। अधिकारियां मुताबिक मृतकां विच 5 मर्द ते 6 औरतां शामिल सन जो सारे रिश्तेदार सन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना जान ते दुख प्रगट कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति ने कहा है कि दर्दनाक सड़क हादसे विच कई लोकां दे मारे जाण दी खबर ने उन्हां नूं डूंघा दुख पहुंचाया है। राष्ट्रपति ने दुखी परिवार दे मैंबरां नाल हमदर्दी प्रगट कीती है ते जख्मियां दे जल्दी ठीक होण दी कामना भी कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि उह हादसे विच जानी नुकसान तो दुखी ने। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड विचों हरेक मृतक दे परिवार नूं 2-2 लाख रूपये ते जख्मियां नूं 50-50 हजार रूपये की राहत रकम देण दा ऐलान कीता है। उन्हां इस हादसे विच जख्मी होए लोकां दे जल्दी ठीक होण दी भी कामना कीती है। महाराष्ट्र दे मुख मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस हादसे विच मरण वालियां ते परिवारां नूं 5-5 लाख रूपये की माली सहायता देण दा ऐलान कीता है। देश दे 11वें राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मौके अज देश विच विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जा रहा है। भारत दे मिसाइल मैन वजों जाने जांदे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम दा जन्म 12
अक्टूबर 1931 नु रामेश्वरम तमिलनाडु विखे होया सी। उन्होंने 2002 तो 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति वजो सेवा निभाई। रामेश्वरम के छोटे जिहे पिंड तो लैके दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक डॉ कलाम की जीवन कथा ने लखा लोगों प्रेरित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे प्रसिद्ध विज्ञानी और साबका राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने मानवीवी जयंती से श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उगे विज्ञानी साबका राष्ट्रपति उन्होंने राष्ट्र निर्माण विच बेमिसाल योगदान की शलाघा करद श्रद्धांजलि भेंट की। आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई विच 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी सैशन का उद्घाटन किया। उद्घाटनी सैशन विच बोलदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत देश विच ओलंपिक की मेजबानी करने लिए तांग नाल उड़ीक कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस 140 करोड़ देशवासियों का सुपना करार दिता। प्रधानमंत्री ने कल भारत और पाकिस्तान विचाले हुए मैच विच जीत लई भारतीय टीम नूं भी वधाई दित्ती है। इधर अमृतसर विखे श्री दुर्गियाणा तीर्थ दे श्री वड्डा हनुमान मंदिर विच पहले नवरात्रे तो शुरू हुए 10 दिना विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेले विच हर साल वांग इस बार भी वड्डी गिणती च पूरे उत्तरी भारत दे देश विदेश तो श्रद्धालु मत्था टेकण लई पहुंच रहे ने। सवेरे पहला श्री हनुमान जी का सिंगार किया गया ते श्री हनुमान जी नूं लड्डुआं दे भोग लगाउण तों बाद मेले की रस्मी शुरुआत हुई। सवेर तो श्रद्धालु वड्डी गिणती विच इत्थे पहुंच रहे ने। मौसम विभाग ने पछमी हवावां दे प्रभाव कारण कल तक लई उत्तरी पंजाब अते हिमाचल प्रदेश दरमियानी तो तेज बारिश की पेशीनगोई की है। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश च भारी बारिश ते बर्फबारी भी होने की संभावना है। दक्षिणी पंजाब दक्षिणी हरियाणा दिल्ली ते उत्तरी राजस्थान च अज अते भलके बदलवाई रहेगी ते हल्की बारिश ते बूंदाबांदी की उम्मीद है। इधर पंजाब दे वख-वख जिलों विच तड़के हुई हल्की तो दरमियानी बारिश कारण घट्टो घट तापमान विच गिरावट दर्ज की गई है जबकि अनाज मंडिया विच झोने की फसल गिली हो गई है। एक रिपोर्ट। पंजाब के कई हिस्सों में आज सवेरे हल्की तो दरमियानी बारिश के बाद मौसम में अचानक तब्दीली आई है अते हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। इस मीह कारण ज्यादातर जिले में घट्टो घट तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तो हेठा दर्ज किया गया है। मीह कारण सूबे दियां वख-वख मंडियां विच खुले पए झोने की फसल प्रभावित हुई है। लुधियाना जिले के खन्ना स्थित एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी विच भी शेडां की गिणती घट होण अते झोने नूं ढकण लई तरपालां दा पुख्ता प्रबंध ना होण कारण मीह नाल झोने की फसल गिली हो गई। हालांकि किसानों ने आपो अपनियां ट्रालियां नूं ढक के झोने नूं बचाउण दा यतन जरूर किया। पठानकोट ते गुरदासपुर समेत कई होरनां जिलों विच भी झोना गिला होया है। शिशु शर्मा शांतल आकाशवाणी समाचार जलंधर। केरल च भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अज कन्नूर अते कासरगोड नूं छड्ड के 12 जिलों विच येलो अलर्ट जारी किया है। बीआरएस मुखी अते तेलंगाना दे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अज राज विधानसभा चोणां लई पार्टी दा चोण मनोरथ पत्र जारी किया है। बीआरएस ने पहला 119 115 हल्के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता। इस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा चोणां लई 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर विच अज शामी 4:08 ते 3.1 शक्ति दे भूचाल दे झटके महसूस किए गए। भूचाल विज्ञान केन्द्र ने कहा कि भूचाल दा केन्द्र 9 किलोमीटर की डूंघाई ते हरियाणा दा फरीदाबाद सी। जान माल दे नुकसान दी फौरी तौर ते कोई खबर नहीं है। अफगानिस्तान विच अज सवेरे पछम विच हेरात शहर दे नेड़े 6.3 तीबरता दा भूचाल आया। अजे तक जान माल दे नुकसान दी कोई खबर नहीं है। दस्या जांदा है कि भूचाल दा केन्द्र हेरात तो बाहर 34 किलोमीटर अते 8 किलोमीटर की डूंघाई ते सी। मर्दा दे आईसीसी विश्व कप विच अज नवी दिल्ली दे अरुण जेटली स्टेडियम विखे इंग्लैंड दा अफगानिस्तान खिलाफ मैच जारी है। पहला इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने दा फैसला किया। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड सामने जीत वास्ते 285 दौड़ा दा टीचा रखा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। ऑपरेशन अजे तहत जंग प्रभावित इजराइल तो 2 होर उड़ाणा 471 भारतीयां नाल देश परतियां ने। इजरायली फौज ने दावा किया है कि इसने 2 सरहदी पिंडा ते हमले की अगवाई करने वाले एक होर हमास कमांडर को मार दिता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम अते सिंगापुर के 6 दिन दौरे ते अज हनोई पहुंच गए ने। महाराष्ट्र च अज सवेरे छत्रपति संभाजी नगर जिले च एक बस हादसे च 12 लोग मारे गए ने। राष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री ने जानी नुकसान ते दुख जाहिर किया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु केरला ते जम्मू कश्मीर च भारी बारिश की पेशीनगोई की। उत्तरी पंजाब ते हिमाचल प्रदेश च दरमियानी तो तेज बारिश की पेशीनगोई की गई है। ते आईसीसी क्रिकेट विश्व कप विच अफगानिस्तान ने इंग्लैंड सामने जीत वास्ते 285 दौड़ा का टीचा रखा है। इसे नाल आकाशवाणी जलंधर तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।